सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल आसान तरीके से एकदम बारीक डोरी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास कपड़ा है और इसको मैंने पहले से ही ओरेब काटा हुआ है। और आपके पास दो तरीके हैं ये डोरी बनाने के। या तो देखिए, आप करीब 1.25 इंच, कम से कम हमें 1.25 इंच चौड़ी ये ओरेब पट्टी निकालनी है, क्योंकि अगर हम इसको बारीक निकालते हैं, सपोज़ करिए आपने काफ़ी बारीक निकाली है, तो जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है सिलाई लगाने में। तो हम इसको थोड़ी चौड़ी काटते हैं, तो जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो वो आराम से लग जाएगी। या दूसरा तरीका ये है, आप इसमें से कटिंग मत करिए, ओरेब काट के इस तरह से और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करिए और इस पर सिलाई लगाते जाइए। देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करके जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिलाई में दबाना है और थोड़े आराम आराम से सिलाई लगाएंगे ताकि बिल्कुल बराबर ये सिलाई में दबे और हमारी डोरी बारीक बने। और देखिए, इसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम आराम से केवल सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से। देखिए, जब हम बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं तो करीब 1/2 इंच तक हमें इस साइड में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है, यानी यहाँ से हमारी डोरी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से, जैसे अभी तक हमने बहुत कम कपड़ा सिलाई में दबाया हुआ है, अब हमें 1/2 इंच तक ये कपड़ा ज़्यादा छोड़ना है इस तरह से। और फिर इसको हम यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, इसको हम डबल कर देंगे। देखिए, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जैसे ये हमारी सिलाई लगी हुई है, कई बार क्या होता है ये सिलाई बिल्कुल इधर आ जाती है, यानी हमारा जो इधर कपड़ा है वो बिल्कुल कम रह जाता है, और जहाँ पर वो कपड़ा कम रहता है वहीं पर हमारी डोरी सीधी होने में बहुत प्रॉब्लम हमें होती है, यानी वो सीधी नहीं हो पाती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एक जो कपड़ा इधर बचा हुआ है ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमारी डोरी आसानी से सीधी हो जाए। और देखिए, इसके बाद हम यहाँ से पहले इसको इस तरह से सीधी करेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम पूरी इस ओरेब पट्टी की कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने जो डोरी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ली है उसका केवल एक रीज़न है, क्योंकि जब हम इसको पलटते हैं तो शुरुआत की थोड़ी सी डोरी सीधी होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई हम यहाँ से ज़्यादा रखेंगे तो ये आसानी से पलट जाएगी और थोड़ी सी डोरी सीधी होने के बाद वो आराम से खिंचती चली जाती है। और इसको अब हम किसी भी चीज़ से सीधा कर सकते हैं, किसी स्टिक वगैरह से या सुई धागे की मदद से, कैसे भी हम इसको बहुत आराम से और बहुत जल्दी सीधा कर सकते हैं। और अब हम इसको सुई धागे की मदद से सीधा करेंगे। देखिए, इसमें डबल ट्रिपल धागा डालते हैं और इस तरह से गांठ लगाएंगे, और अगर आपके पास मोटा धागा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसमें यहाँ पर 2-3 बार इस तरह से टाँके लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसको सिलने के बाद अगर आपको लगता है कि इधर उधर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी इस तरह से कटिंग कर लें ताकि ये अंदर की साइड आसानी से आ जाए। और देखिए, इसके बाद हम यहीं से सुई को बिल्कुल डोरी के बीच में डालते हैं इस तरह से, और ये बिल्कुल बीच में हमें इस तरह से डालते रहना है और दूसरे सिरे पर निकालना है। देखिए, ये इस तरह से दूसरे सिरे पर हम ये सुई निकालते हैं, और देखिए इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से कर लें। ये देखिए, बिल्कुल आराम से ये देखिए डोरी हमारी सीधी हो गई और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आराम से हमारी डोरी सीधी हो जाती है। और देखिए कितनी बारीक और कितनी सुंदर हमारी डोरी बनती है। और देखिए, ये जो थोड़ी सी चौड़ी डोरी है इसको हम काट देंगे यहाँ से। और देखिए, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें,
आपको खुद लगेगा कि कितनी आसानी से हमारी ये डोरी बन जाती है और बहुत सुंदर डोरी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।